वेलकम विजया, कैसा थैंक यू सर। फील हो रहा है आपको? अब आप सरकारी ऑफिसर बन गए हैं, किस टाइप की फीलिंग लग रही है? कैसा माहौल लग रहा है वहाँ पे? सर अच्छा लग रहा है। बाकी फैमिली बहुत खुश है। फैमिली मेंबर्स और आसपास का नेबर्स लोग भी बहुत खुश है। वो लोग भी बहुत ग्रीट करने आए थे। उन लोगों को भी अच्छा लगा कि ऐसे एरिया हम लोग के एरिया से कोई ऐसा मतलब एग्जाम क्रैक किया है, तो अच्छा लग ऐसा रहा लग है। रहा है कि बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, नहीं होता है पहले, मतलब जिनसे बातें नहीं हो रही थी, ऐसा कुछ कुछ अनप्रेसिडेंटेड? हाँ सर बहुत ज़्यादा ही चेंज हुआ है। बहुत लोग आए ग्रीट करने और अंकल आंटीज लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा वो किया। उन लोगों ने भी बहुत आशीर्वाद दिया, तो अच्छा ही लग रहा है। नहीं, अभी मैं आपके ना पीछे देख रहा हूँ, 17 SDGs और ये वो, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ, विजय ने काफी मेहनत की है। नहीं, जब मैं गुवाहाटी में भी था, तुम लोग पढ़ते थे, और पीछे का जो द्वारा पूरा, नहीं, वो SDG वेSDG बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, 17 SDG, 169 टारगेट्स, और आपने बनाया वो, सो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। अब ना कुछ जैसे व्यूअर्स जो देखेंगे उनको बता दो थोड़ा कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट में किया है। ओके सर, मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करती हूँ और ग्रेजुएशन मेरा इंग्लिश लिटरेचर में था। उसके बाद मैंने मास्टर्स भी प्रिपरेशन के साथ ही कर लिया था इंग्लिश लिटरेचर में ही। फिर 2022 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने 23 में एग्ज़ाम दिया APSC। उसके बाद सर 23 में इस बार क्लियर हो गया। सर ये कौन सा अटेम्प्ट था APSC का विजया? पहला ये ही मेरा अटेम्प्ट? सेकेंड है। सेकेंड अटेम्प्ट है। नाइस यस नाइस सर। नाइस। और आपने मास्टर्स भी कर लिया है, हाँ सर। क्या बात है यार, ये तो मेरे को ही नहीं पता था। दैट इज एक्चुअली वेरी नाइस। ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी से ही पूरी प्रिपरेशन की है आपने? पूरी हाँ सर जो गुवाहाटी से। प्रिपरेशन है, ऑसम। कितने साल के हैं आप, कितने, मतलब क्या एज है अभी आपकी? सर अभी 30 जनवरी आई बी एंटरिंग 26। काफी कम एज के हैं आप, नहीं? और मतलब ना, आप काफी मोटिवेट करेंगे, और ये एकदम अपॉर्चून एज है। क्यों ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि इस टाइम अभी जैसे तुम्हारा प्रमोशन होगा तो तुम एक सर्टेन हायरार्की पे पहुंच जाओगे। कुछ लोग होता है ना, थोड़ा लेट ये सारी चीजें करते हैं तो उसमें फिर दिक्कत होती है, बट ये दिस इज एक्चुअली वेरी, नहीं होता, बहुत सही एज है ये। कि APSC और UPSC प्रिपरेशन, मतलब सिर्फ APSC प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या UPSC भी बैक ऑफ द माइंड में है? सर बैक ऑफ द माइंड में तो है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट मतलब पूरा यूपीएससी का ही सिलेबस है हम लोग का, जीएस का जितना है। और सर ऑप्शनल भी था, लेकिन इस साल उन लोगों ने हम लोग का एपीएससी में ऑप्शनल हटा दिया गया। तो अभी ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा एपीएससी यूपीएससी अगर देना है तो मुझे। और अगर आप व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि APSC और UPSC के प्रीलिम्स में, जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, क्या डिफरेंस आपको लगता है कि क्या डिफरेंस है? तब प्रीलिम्स में इस बार जो एपीएससी का प्रीलिम्स था वो काफी एनालिटिकल था। उन लोगों ने इस बार, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्टली पूछा जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो यूपीएससी का लेवल है वो उन लोगों ने मैच करने का ट्राई किया है। और क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल था इस बार और बहुत कंफ्यूजिंग भी था। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस ज्यादा था इस बार। बिसाइड सर, इस बार तो यूपीएससी का लेवल, क्वेश्चन का लेवल अप हुआ ही है। वो मैंने प्रीलिम्स का पेपर देखा था हाँ, उसमें ना वो अभी वो नहीं होता, ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट सर। करेक्ट। वो हाँ, वो थोड़ा सा हाँ पैटर्न चेंज हुआ है सर, वो मैंने हाँ देखा था। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं सोच रहा था, जैसे ना जीएस का सोर्स, जो भी आपने डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, क्या सोर्स था आपका विजय, कहाँ से पढ़ा आपने? सर सोर्स तो जो बुक्स टॉपर्स लोगों ने रेकमेंड किया था वही, और बाकी सर पॉलिटी पॉलिटी सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है तो समझने में प्रॉब्लम होता है, तो यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखती थी। और आपका क्लासेस भी मैंने अटेंड किया था तो उसमें बहुत हेल्प है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद जैसे कि अगर किसी को मेंस, प्रीलिम्स की तो हमने बातें कर ली, अगर किसी को एपीएससी मेंस, क्योंकि मेंस ही मेन है, राइट? प्रीलिम्स आप करोगे, उसके बाद तो मेंस निकालना होगा, तभी तो रैंक आएगा, है ना? मेंस के मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे। तो अगर आपको बताना पड़े किसी को कि स्ट्रैटेजी कैसे कोई क्रैक करे एपीएससी का मेंस, तो आप क्या बताएंगे? सर स्ट्रैटेजी तो यूपीएससी का स्ट्रैटेजी ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सर क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा एनालिटिकल था। क्वेश्चन इस बार एकदम यूपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन था। और सर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन और न्यूज़पेपर से डेटास वगैरह कलेक्ट करना। न्यूज़पेपर सर बहुत हेल्प करता है इसमें, मेंस का प्रिपरेशन में सर, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बुक्स।
ओके सर न्यूज़पेपर राइटिंग वो थारोली फॉलो करने से वहाँ से बहुत इंफॉर्मेशन आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है। और सर बाकी मैं तो डेली आंसर राइटिंग करती थी, दो दो आंसर्स रोज लिखती थी, वन थ्रू आउट द ईयर मैंने वो किया। और बाकी कब जो लिखते थे नोट्स बजाय, बनाती थी तो सुबह लिखते थे, शाम में कब लिखते थे, ये आंसर राइटिंग वाला जो करते थे, दो क्वेश्चंस सर मैं मोस्टली मैं शाम को करती थी after 8। After 8। ये बहुत अच्छा है, मतलब प्रैक्टिस। और ये बहुत, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि लिखो लिखो लिखो, लेकिन लोग लिखते नहीं है। हाँ सर बहुत हेल्प करता है वो। आई मीन मेंस में मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चंस देखा जो मुझे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मैं लिख के आई, क्योंकि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरा इतना हो गया था कि मैं खुद का माइंड से वो कंटेंट निकाल पा रही थी कि मैं लिख सकूँ वो आंसर सर, तो वो बहुत हेल्प करता। ओके ओके ओके, सही है। और जैसे ये ना, जो आप आंसर्स लिखते थे, मान लीजिए आपने दो आंसर्स लिखे, तो ये किसी से चेक करवाते थे या सेल्फ इवैल्यूएट करते थे सर सेल्फ या? इवैल्यूएट करती थी वो, टॉपिक को मैं गूगल कर लेती थी, उसके बाद मैं देख लेती थी क्या क्या है और क्या ऐड करना है उसमें। मैं दूसरे कलर का पेन से वहीं पे मैं लिख देती थी जो मैंने नहीं लिखा है, मैंने अपने आंसर्स में नहीं लिखा है। फिर उसको सर मैं ऑनलाइन में ही फोन में नोट्स बना लेती थी, उसको मैंने मेंस का 2 महीना पहले प्रिंट करवा लिया था और उसको मैं बार बार रिवाइज करती थी सर। बहुत बहुत सही यार, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। तो जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछने वाला था कि इम्पोर्टेंस क्या है आंसर राइटिंग का, तो वो अभी आपने आंसर किया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कितना, मतलब आप सोचते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब पढ़ना इम्पोर्टेंट है आंसर राइटिंग? सर दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से सर वो स्पीड जो हम लोग को चाहिए होता है मेंस में वो आ जाता है एक। और सेकेंडली सर हम लोग को जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टॉपिक्स होता है जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता रहता है, तो वो सब में भी आप इतना पढ़ लेते हो कि आप इधर उधर से खुद के दिमाग से वो कंटेंट निकाल के आप लिंक अप करके लिख सकते हो आंसर। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से, और सर जैसे डायग्राम्स वगैरह भी बनाना होता है बहुत, तो वो सब भी प्रैक्टिस हो जाता है, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है सर उसमें। और आपने फुल लेंथ टेस्ट भी दिया था मेंस का, कि फुल लेंथ टेस्ट, हाँ पूरा का सर पूरा पेपर दिया हाँ सर हाँ था? कितने सर फुल लेंथ लगाए होंगे विजया? सर 1 साल में टोटल आई थिंक 47 टेस्ट मैंने लिखे हैं। नाइस नाइस, वेरी नाइस यार। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीयर ग्रुप का कितना इंपॉर्टेंस है, नहीं होता है कि दोस्त वोस्त जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? सर दोस्त तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा ऐसा बड़ा सर्कल नहीं है, हाँ एक दो ही फ्रेंड्स थे और एक मेरे साथ ही एक बार उसका भी क्लियर हुआ है, तो हम लोग दोनों का ही ज़्यादा मतलब क्लोज बॉन्डिंग है। तो कुछ मेंस के पहले सेंटर भी एक ही साथ गिर गया था, तो जैसे मेंस के बाद हम लोग पढ़ते थे तो कुछ टॉपिक वो मुझे समझा देती थी, मैं उसको समझा देती थी, और कभी कभी डीमोटिवेटेड फील होता था या फिर लो फील करते थे तो एक दूसरे से बात कर लेने से वो मोटिवेशन आ जाता था। तो सर पीयर्स दीप ग्रुप तो शिखा बहुत का पढ़ा ज़्यादा था आपके साथ या कोई और? दीपशिखा का ही, राइट? हाँ ठीक है, तो पीयर ग्रुप का इंपॉर्टेंस है। अब ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब मैं आसाम में था, तभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वो सब चीज़ अच्छी है। जब मैं आसाम में था ना बिजॉय, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो ना मेरे को बोलते थे कि स्लीपी क्लासेस, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल नहीं है, जब मैं यहाँ पे नहीं भी आया था तभी भी मेरे को बहुत लोग कहते थे कि वो सोशियोलॉजी जो ऑप्शनल है शेखर सर का, वो देखते थे वो। तुमने कभी, जब सर मैं मैं गुवाहाटी भी में था, तुमने देखती सुना है था, हाँ सर तुमने देखा था शेखर सर का सोशियोलॉजी वाला? ऑप्शनल हम लोग का हटाने से पहले एक्चुअली मैंने ऑप्शनल का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, तो मैं स्लीपी क्लासेस का वीडियोस देख के ही वो ऑप्शनल प्रिपेयर कर रही थी। और फर्स्ट पेपर का ऑलमोस्ट 70% मेरा डन हो गया था, लेकिन फिर एपीएससी ने ऑप्शनल रिमूव कर दिया। ओके okay, और अगर आप, तुमको आगे, क्योंकि जैसे होता है ना सोशियोलॉजी, जैसे स्लीपी क्लासेस ना अभी भी सिनोनिमस है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ, शेखर सर के साथ। जैसे मैं, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे, जाफरी महज, मतलब बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे जाफरी, तो ना वो लोग बताते थे कि वो पढ़ते हैं। और जब मैं यहाँ आ गया ना, तो मेरे को लगता था कि अरे नहीं होता, मेरे जो बच्चे थे वहाँ पे वो बताते थे और अभी मैं यहाँ पे हूँ, वो डेजा वू टाइप का एक कंडीशन था। ठीक है, तो अभी मान लो तुम यूपीएससी दोगे, तो तुम अपना, अगर दोगे, और आई थिंक अभी तो इंजॉय करो, अभी वो फेज है कि अभी इतना मत सोचो, मैंने दीपशिखा को यही बोला है कि अभी वो फेज है कि इंजॉय कीजिए आप, ज्यादा लोड नहीं लेना है, नहीं होता है। और फिर अभी ना एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जो हम लोग स्टूडेंट से देखते हैं कि तुम अभी इंजॉय करोगे, जॉब में जाओगे, 1-2 साल मस्ती, फिर हो सकता है तुमको ऐसा लगे कि नहीं नहीं अब ना कुछ और आगे करना है, अगर ऐसा फील आता है ना, तब तुम यूपीएससी दे सकते हो। तो तब भी तुम ऑप्शनल अपना सोशियोलॉजी रखोगे या फिर क्या सोच रहे हो? सर सोशियोलॉजी ही रखूंगी क्योंकि वो पढ़ा है सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग भी है और सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, और मतलब मैं लिंक भी कर पाती हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो कंफर्टेबल भी है सब्जेक्ट थोड़ा सा, इसलिए सर सोच रही हूँ सर सोशियोलॉजी ही रखूंगी। ठीक है ठीक है, तो ये भी हो गया।
उसके बाद ना मेरे को ये बताइए कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करते थे आप। करंट अफेयर्स ना एक ये बड़ा क्वेश्चन होता है, डाउट्स आता है कि सर कैसे कवर करें, कितने सोर्सेस पढ़ें, ये पढ़ें वो पढ़ें, क्या पढ़ें, तो तुम क्या कैसे कवर करते थे करंट अफेयर्स? सर स्टार्ट तो मैंने आपने जैसे बोला था कि एडिटोरियल्स पर हो, तो एडिटोरियल्स से ही मैंने स्टार्ट किया था। फिर जब थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल्स में होल्ड अच्छा हो गया, फिर मैंने अच्छे से बाकी आर्टिकल सब देखना शुरू किया। और सर प्रीलिम्स के लिए आई थिंक द हिंदू बहुत अच्छा है। प्रीलिम्स के बहुत सारा क्वेश्चंस मेरा इस बार जो मैंने एग्जाम दिया उसमें ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चंस जो मेरा नोट्स मैंने बनाया था उसी से मुझे हो गया, अच्छे से हो nice गया sir. वो। वेरी नाइस। सर प्रीलिम्स के लिए मैंने वो पढ़ा था। फिर बाद में सर मैंने इंडियन एक्सप्रेस ऐड किया, उसमें जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है सर वो भी बहुत अच्छा कंटेंट वो लोग लाते हैं, तो वहां से भी मैंने कवर किया है। और सर असम के लिए तो मैंने असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर फॉलो किया था। ठीक है। और फिर उसका तुम नोट्स बना लेते थे राइट? नोट्स बना लेती थी, हैंड रिटन नोट्स। तो मतलब अगर और रोज पढ़ पाते थे या रोज रेगुलर नहीं पढ़ पाते थे तो 2 दिन 3 दिन का एक साथ निपटाते थे, कैसे करते थे करंट अफेयर्स का? ऐसे मेरा डेली डेली ही पढ़ना होता था, लेकिन अगर कभी बाई चांस किसी काम के वजह से छूट जाता था तो मैं बाकी जो सैटरडे और संडे रहता था सर उसमें मैं अपना पेंडिंग वर्क सब करती थी। जैसे कुछ नोट्स पेंडिंग रह गया या न्यूज़पेपर पेंडिंग रह गया, तो सैटरडे संडे मेरा पेंडिंग वर्क्स मैं करती थी सर। ओके। और हर दिन कितने, मतलब फिर भी अगर घंटे के हिसाब से पूछे, मिनट्स के हिसाब से कितना टाइम तुम देते होगे करंट अफेयर्स को? 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे क्या कैसा लगता है तुमको, कितना था? इनिशियली तो बहुत टाइम लगा, इनिशियली ऑलमोस्ट 3-4 घंटा लग जाता था न्यूज़पेपर कवर करने में, लेकिन धीरे धीरे 2 घंटे में मैं 3 न्यूज़पेपर आराम से पढ़ लेती थी सर। नाइस है। और उसमें नोट्स भी बना लेते थे 2 घंटे में? हाँ सर, नोट्स मतलब पढ़ पढ़ के मतलब नोट्स बना लेते। नाइस, वेरी नाइस। अब ना जैसे कि ये अभी हम बात कर रहे थे यूपीएससी और एपीएससी का, तो तुमको क्या लगता है कि सेम अप्रोच रखना चाहिए यूपीएससी और एपीएससी के लिए, या कुछ डिफरेंट करना चाहोगे तुम? अगर मान लो तुम यूपीएससी आगे दोगे तो तुम कुछ और डिफरेंट करना चाहोगे, तो अगर करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे, या तुमको लगता है कि नहीं नहीं सर ज्यादा डिफरेंट कुछ करना नहीं है? ज्यादा डिफरेंट तो सर कुछ करना नहीं है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मस्त है सर, वो तो करना ही पड़ेगा। और सर प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा यूपीएससी का लेवल इस बार अप हुआ ही है, तो सर शायद उसके लिए मुझे और थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा और डिटेल्स में टॉपिक सबको जानना पड़ेगा, तो सर वो थोड़ा सा प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सर आई थिंक। ठीक है। अभी ना जैसे हम लोग ना एक बीपीएससी का एक बच्चा था, उसका हुआ था, उससे हम बात कर रहे थे कि बीपीएससी के प्रीलिम्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्या फर्क उसको लगा, तो उसने ये बोला ना कि सर यूपीएससी के प्रीलिम्स में ना हमें शायद मॉक्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका पैटर्न चेंज होता रहता है, और बीपीएससी में उसने बोला कि ना अगर मैं पढ़ भी लूं थोड़ा कम भी मॉक लगाऊं तो चलेगा। तुमको ऐसा कुछ लगा कि नहीं ऐसा सही है सर यूपीएससी में थोड़े मॉक्स ज्यादा लगाने होते हैं, या तुमको लगता है कि नहीं नहीं दोनों एपीएससी यूपीएससी दोनों में मॉक्स लगाना पड़ेगा? सर इस बार एपीएससी का जो पैटर्न था वो भी बहुत मतलब काफी हाई किया है उन लोगों ने लेवल, तो सर इस बार जो प्रीलिम्स होगा 17 मार्च को होने वाला है, तो सर वो पैटर्न देखने के बाद पता चलेगा कि इस मतलब फर्स्ट टाइम इस बार एपीएससी ने ऐसा पैटर्न इम्प्लीमेंट किया है, तो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद शायद पता चलेगा कि किस लेवल तक वो होना पड़ेगा प्रिपरेशन प्रीलिम्स का जाना चाहिए, लेकिन यूपीएससी का लेवल तो अब हुआ है तो सर आई थिंक उसके लिए मॉक्स लगाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो विजया? अभी तो जैसे नहीं होता एक वो फीलिंग आ रहा होगा कि अब मैं करूं क्या, ऐसा नहीं आता कि अब मैं क्या करूं ऐसा वाला हो रहा है सर? अभी क्या करते हो? सर अभी क्या करते हो मतलब अभी धीरे धीरे सोशियोलॉजी के लिए सर स्टार्ट करूंगी, अभी सोशियोलॉजी का वगैरह स्टार्ट कर ही दिया है थोड़ा सा थोड़ा करके ना। जैसे ना कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ गुवाहाटी में, उनमना, पता नहीं तुमको पता है नहीं पता है, उनमना याद है तुमको? आई थिंक वो दूसरे बैच में थे, तुमको नहीं पता होगा। तो उन लोगों का भी सोशियोलॉजी ऑप्शन है, मैं उन सबको ना ये कहता हूँ कि शेखर सर के जितने भी वीडियोज हैं स्लीपी पे उसको ना पूरा एक बार देख लो, तुमको भी अगर अभी टाइम मिलता है तो उसको ना एक बार देख लो, ऑप्शनल एक बार कवर हो गया ना तो फिर उसके बाद मैक्सिमम चीजें ईजी हो जाती हैं। तो जैसे भी कुछ स्टूडेंट्स थे गुवाहाटी के, उन्होंने कॉल किया एंड दे आर लाइक कि हम ना अभी इस साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, लेकिन उनका ना ऑप्शनली कवर नहीं है, तो ऐसा आप मत करना, ऑप्शनल कवर करके ही फिर प्रीलिम्स देना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा ना वो अटेम्प्ट, क्या फायदा? मींस रेडी करके देना बेटर रहता है क्योंकि बाद में वरना बहुत लोड हो जाता है और स्ट्रेस हो जाता है, और ऐसा प्रिपरेशन लेके चलने से बहुत एंजाइटी भी होता है कि क्या होगा क्या होगा, तो सर आई थिंक खुद थोड़ा सा 70% कॉन्फिडेंट होने के बाद ही हम लोग को प्रीलिम्स देना चाहिए। वेरी नाइस यार। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद PYQs का इंपॉर्टेंस एपीएससी के लिए, तुम सोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तुमको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंस है PYQs का एपीएससी में? सर
एपीएससी का तो ऐसे मैंने पीवाईक्यूज फॉलो नहीं किया था, लेकिन यूपीएससी का पीवाईक्यूज फॉलो किया था मैंने, और यूपीएससी का पीवाईक्यूज फॉलो करने के वजह से ही मेरा इस बार शायद एपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो निकला है, क्योंकि इस बार पैटर्न ऑलमोस्ट यूपीएससी, ऑलमोस्ट नहीं 90% यूपीएससी जैसा ही था। ओके आपको मैं ओके क्वेश्चंस भेजूंगी, इसके बाद आप हाँ एक बार देख लीजिएगा, मतलब ऑलमोस्ट यूपीएससी के लेवल का था। तो सर यूपीएससी का वो पीवाईक्यूज फॉलो किया था और मॉक्स लगाया था सर, यूपीएससी लेवल का ही मॉक्स लगाया था मैंने, तो वो ओके बहुत तो हेल्प किया प्रीलिम्स में सर। आप कह रहे हैं कि एपीएससी क्रैक करने में यूपीएससी के पीवाईक्यूज ने एक बहुत बड़ा हेल्प किया, नहीं मतलब हाँ सर, इस बहुत टाइप है बड़ा, ना? क्योंकि इस बार पैटर्न कम्प्लीटली यूपीएससी वाला पैटर्न ही था इस बार, और अगर वो मैं नहीं करती तो शायद इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं होता। और मेंस का विजय, मेंस में क्या कहेंगे, एपीएससी मेंस में सेम यूपीएससी मेंस टाइप या कुछ उसमें अलग? हाँ सर, सेम यूपीएससी मेरा एकदम जो प्रीलिम्स मेंस का, जो इस बार मेरा एपीएससी का प्रिपरेशन था वो मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस का ही पीवाईक्यूज और नोट्स वगैरह वही वैसे टाइप का ही फॉलो करके इस बार मैंने एग्जाम्स के लिए अपेयर किया था, तो सर शायद इसीलिए ही मेरा वो एग्जाम क्लियर हुआ है, वरना सर इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत हाई किया था उन लोगों ने। ओके और जो जीएस के पेपर्स आपने मतलब मेंस दिया था उसमें कितने कितने, किसी में क्वेश्चन छूटा था या क्वेश्चन किसी में भी नहीं छूटा था, सब एकदम मस्त? सर एक जीएस पेपर 2 में लास्ट मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, उसमें मेरा गलती क्या हुआ कि सर मैं डायग्राम्स वगैरह बनाने में मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो उसमें मतलब मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था। ओके एक क्वेश्चन बस छूटा, ठीक है। और अभी आपको ऑडिट मिला है, अकाउंट्स मिला है, क्या मिला विजय? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऑडिट और अकाउंट्स में। अकाउंट अकाउंट्स मिला आपको? हुआ है ऐसा, हाँ सर। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है तो ये हो गया। और ना एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आपने भी जो है प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, एपीएससी या यूपीएससी का कब से स्टार्ट किया आपने, किस साल से? सर 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन फिर कोविड के वजह से बंद हो गया, तो आधा बुक्स खरीदा, फिर आधा बुक्स नहीं था, फिर कोविड के बाद आपसे मिली, आपसे मिलने के बाद वो प्रॉपर गाइडेंस मिला कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे और हम लोग का मेंस का भी आंसर राइटिंग आपने करवाया, तो उससे मतलब धीरे धीरे पता चला, और अच्छा ऐसा एग्जाम के लिए ऐसे प्रिपेयर करना होता है, तो सर कोविड के बाद अच्छा प्रिपेरेशन हुआ, ऐसे माइंडसेट तो कोविड के पहले ही बन गया था 2019 में। तो मतलब पॉइंट इस की 2019 से लेके अभी हम 2024 में हैं, तो ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 5 साल का जर्नी हो गया है कि नहीं बिजोया? हाँ सर, तो हाँ कभी सर, बीच में ऐसा फील हुआ था, जैसे थैंक यू जो आपने बोला मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। और क्या बोल रहा था मैं, इसमें इस पीरियड में कभी ऐसा आया कि यार छोड़ देते हैं कुछ और करते हैं, बहुत हेक्टिक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं, लेट्स क्विट, लेट्स डू समथिंग एल्स? नहीं सर वैसा तो ऐसा मतलब क्विट करने का तो वो नहीं था, लेकिन हाँ कभी कभी लो हो जाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता था, तो ऐसे कभी कभी रात को बैठ के रोटी पी थी कि कब कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वैसा हुआ है, एनजाइटी डिप्रेशन थोड़ा सा होता है, लेकिन सर क्विट करने वाला माइंडसेट नहीं था, कि करना है मतलब करना है, तो वही था सर। कभी जैसे ना आपने सेकंड, ये आपका एपीएससी का प्रीलिम्स था, फर्स्ट एपीएससी प्रीलिम्स दिया होगा, फर्स्ट उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, ये हुआ है ना प्रीलिम्स फर्स्ट, तो उस टाइम ऐसा नहीं फील आ रहा था यार कि अब मतलब होता ना ये क्या हो गया, हो जाना चाहिए प्रीलिम्स या समथिंग लाइक दैट, कुछ इस टाइप का? नहीं सर ऐसा मतलब प्रीलिम्स मैंने तब, मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैं एग्जाम प्रीलिम्स तब मैं देखने के लिए दी थी कि कैसा आता है एग्जाम, एग्जाम कैसा होता है, वो वैसा था, और सीरियस अटेम्प्ट मतलब इस बार ही था मेरा, वो सीरियस अटेम्प्ट इस बार था और ठीक इस है, बार हो गया। ये इसीलिए पूछ रहा हूँ ना बिजोया, क्योंकि ना जैसे ना बहुत सारे लोग हैं जो लगे रहते हैं, डिप्रेशन बहुत फील होता है उनको, नहीं होता है कभी कभी, क्या होता है आपको भी पता है कि ये बड़ा लोनली जर्नी है, आपके दोस्त होंगे लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा दोस्त से मिलेंगे, मैक्सिमम जर्नी आपको खुद से अकेले ट्रैवल करना है, राइट? तो आप क्या सजेशन देंगे किसी को कि अगर थोड़ा डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है तो उसको कैसे ओवरकम करें आपके हिसाब से? सर आई थिंक क्लोज 2-3 लोग होना चाहिए जिससे आप शेयर कर सकते हो, जैसे मेरी फ्रेंड थी एक दीपशिखा, जो आप जानते ही हैं उसे, वो थी, और सर मेरा रोज पापा से बात होता था, पापा ने काफ़ी हेल्प किया, प्रैक्टिस में प्रीलिम्स का क्वेश्चंस पापा के साथ ही प्रैक्टिस करती थी, और सर मैं अपने दादी से बहुत बात करती हूँ, तो रोज़ हाफ एन आवर 40 मिनट्स में अपना दादी से बात करती थी, उनको शेयर करती थी उनके साथ ही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बुरा भी लगता था तो उनको बोलती थी, तो वो लोग भी काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर्स पूरा जर्नी में रहा है, तो वो लोग बोलते थे नहीं करो अच्छे से करो हो जाएगा, मेहनत करने से हो जाएगा, तो सर थोड़ा 2-3 लोग तो क्लोज होना चाहिए ताकि आप
जब लो फील करो आपको हेल्प करे वो। सही सही। तो मतलब तुम कहते हो कि जो क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर्स है, उसके कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना चाहिए, राइट? कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं तुम क्या गो थ्रू कर रहे हो। ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी? सर हुआ है बहुत बार। मैं पापा को बोलती थी कि मम्मी पापा को बोलती थी कि नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा लोड है, तो पढ़ने से सब होगा, मेहनत करने से सर। लेकिन एक अंदर में हमेशा डाउट रहता है ना कि होगा कि नहीं, पता नहीं। बैकअप प्लान भी इतना अच्छे से नहीं रखा हुआ है, तो सर वो होता था। लेकिन आई थिंक जो सेम हम लोग प्रिपरेशन करते हैं वैसा एक सर्कल अगर रहता है तो उन लोग के साथ आप जब शेयर करते हो तब वो सही हो जाता है। लाइक दीपशिखा, हम लोग एक साथ कॉलेज से पास किए हैं और एक साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो कभी ऐसा होता था तो हम लोग दोनों एक दूसरे से बात कर लेते थे तो वो ओके हो जाता था। सही है सही है। काफी अच्छा लगा बिजॉय आपसे बात करके। मेरे को सीरियसली ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जैसे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने कहा, आंसर राइटिंग करने का। मैं इतने बच्चों को कहता हूँ कि प्रीलिम्स है तो क्वेश्चंस लगाओ, सेक्शनल नहीं फुल लेंथ लगाओ। बहुत लोग हैं कि नहीं सर ये हो जाएगा तब लगाएंगे, या मेंस में नहीं सर ये कंप्लीट कर लेंगे तब लगाएंगे। बट वैसा टाइम तो कभी आएगा नहीं बिजॉय, इतना सिलेबस नहीं है सर, पूरा, है सिलेबस ना? कंप्लीट होगा नहीं। सिलेबस मतलब आप जितना पढ़ो उतना सिलेबस बढ़ते जाता है। इवन मेंस के एक दिन पहले तक ऐसा था कि ये कवर नहीं हुआ है, वो कवर नहीं हुआ है, तो सर टेस्ट लगाने से क्या होता है कि ऐसा टॉपिक्स था हम लोग का जो हम लोग को नहीं पता था वहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन था अर्बन स्प्राउल के ऊपर, तो वो टॉपिक मुझे उतना अच्छे से पता नहीं था, लेकिन इतना प्रैक्टिस कर लिया था और इतना पढ़ लिया था कि हो गया वहाँ पे, लिख लिया मैंने और अच्छा आंसर से लिखा। जब मैं आके फिर मैंने गूगल किया कि सही लिखा है कि गलत, तो सर वो हो गया। वो सर आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के वजह से ही हुआ है सर। ओके ठीक है, नाइस बिजोया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बिजोया। और तो था ना, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेट्स फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, आऊँगा मैं गुवाहाटी तो मिलेंगे, आप है ना? अगर गुवाहाटी आते हैं तो मिलिएगा, बताइएगा। और सर बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी दोबारा, तो कुछ हेल्प चाहिए होगा तो आपको फिर कांटेक्ट करूंगी मैं। तो मतलब अभी आप एपीएससी ज्वाइन करने के बाद फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहेंगे, ऐसा ना? है ना? ठीक है। एपीएससी अब तो नहीं देंगे ना? एपीएससी अब देने का कोई इरादा नहीं है ना, यूपीएससी पे फोकस करना है इरादा क्या? नहीं है, मतलब अभी रैंक इम्प्रूव करना है तो देना पड़ेगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली करूंगी। जो सर बेटर होना तो अच्छा है ना, सबको बेटर चाहिए होता है, तो मेहनत करने से हो जाएगा शायद। सही। थैंक यू बिजोया, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके।